Okay, grade 2, welcome to the online class. Day 21, December 2020, first session is of maths. Today, your new topic is division, dividing by 3 and 4. Today, we are going to divide by 3 and 4. In the last classes, we have done multiplication. Now, we are moving towards division. Okay, now listen to me carefully. Zahid has 18 duck. He puts 3 duck in each box. Ek box mein Zahid ne 3 ducks rakhi. Zahid is having 18 ducks. Kitne ducks hain Zahid ke paas? 18. Usne ek box mein kitni duck rakhi? 3 rakhi. 1 like this. अब ये देखते जाएं. 1, 2, 3. Then again. 1, 3 ducks in each box. Okay, like this. 1, 2, 3. 3 ducks in each box. Then again. 1, 2, 3. उन्होंने बोला कि एक बॉक्स में 3 डक्स थी, तो इस तरह से हम इसको सेपरेट करेंगे कि एक बॉक्स में 3 डक्स आए, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने बॉक्सेस बने. Three, 1, 2, 3. So as you all can see, कितने boxes बने हमारे पास? These are 6 boxes. हमारे पास total कितनी ducks थी? 18 ducks थी. उसके बाद हमने क्या करा? उन्होंने बोला he puts 3 ducks in each box. फिर हमने इनको सेपरेट करा. सेपरेट करने पे हमें पता चला कि जब हमने सेपरेट करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि एक बॉक्स में कितनी डक्स थी. 1, 2, 3. तो 3 से सेपरेट करते करते कितने बॉक्सेस बने? 6 बॉक्सेस. दैट मीन्स कि 3 6 18 होता है. मतलब कि अगर हम एक बॉक्स में 3 डक्स रखें और उसके 6 बॉक्सेस हो, तो अगर हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, तो टोटल हमारे पास कितनी डक्स हो गई? 18 डक्स हो गई. तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन द फर्स्ट बॉक्स 3. Three. Make the division sign. Divided by 18 is equals to 6. Means 3 जो थी वो हमारे पास एक बॉक्स में डक थी, 18 हमारे पास टोटल डक्स थी,
तो हमने क्या करा, उनको जो सेपरेट करा बॉक्सेस में बनाना शुरू करा, तो हमें पता चला कि वो कितने बॉक्सेस में आई है, सिक्स बॉक्सेस में आई है। कितनी डक्स? 18 डक्स। अगर हम 3 का टेबल 6 तक पढ़ें, देन वी विल ऑल्सो गेट द आंसर 18, बिकॉज 3 6 आर 18। अगेन वी आर गोइंग टू डू विद द कार। देयर आर 12 टॉयज कार ऑल टूगेदर, ईच ग्रुप हैज 4 टॉय कार। एक ग्रुप के पास कितनी टॉय कार्स हैं? 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये देखें, ये ग्रुप्स कितने हैं टोटल? 1 2 3 1 2 3। कितने ग्रुप्स हैं ये? जिस तरह डक में हमारे पास 6 बॉक्सेस थे डक के, उसी तरह हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं? 3 ग्रुप्स हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 4 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 3। मतलब कि एक ग्रुप में 4 कार्स हैं और टोटल कितने ग्रुप्स बने हमारे पास? 3 कार्स। तो हमारे पास टोटल 12 थी। अब हमने क्या करना था? उन 12 को सेपरेट करना था। हमने क्या करा? उनके ग्रुप बनाए इक्वली डिवाइड करके, मतलब उनको इक्वली सेपरेट करा। सेपरेट करने को डिवाइड करना कहते हैं। उनको आधा 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 करके डिवाइड करा, तो हमें पता चला कि हमारे कितने ग्रुप्स बने? 3 ग्रुप्स। इसी की तरह अगेन डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 means 4 3s are 12। Just like this, today we are going to do page number 133 and 134. In our classwork, take out your maths book 2A. Today we are going to do page number 133 and 134 in our classwork.